अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। ऐसे ही मुस्कुराते और हंसते रहें, आमीन। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी 2 दिन, गला ख़राब रहा है और ज़ुकाम रहा है, इस वजह से कल वॉइस ओवर नहीं की, ऐसे ही वीडियो अपलोड कर दी थी। आज मैं बना रही हूँ शलजम और चिकन। मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बस अपना तरीका शेयर करती हूँ आप लोगों से कि हम ऐसे बनाते हैं। प्याज और लहसुन अदरक फ्राई कर लिया था, तो उसके बाद अब टमाटर डाल दिए। टमाटर भी नरम हो गए हैं तो अब मसाले डाल देंगे, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी। मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। शलजम भी मैंने छील लिए हैं साथ। अब चिकन डाल देंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। गैस क्योंकि बहुत कम ही आती है तो बस ढक्कन देकर इसको पकाएंगे। अब 2-3 दिन से गला बड़ा ख़राब था, लेकिन आज काफ़ी बेहतर हूँ, शुक्र है अल्लाह का। जब तक चिकन की बुनाई होती है, मैं साथ साथ शलजम भी काट लूँगी। चिकन अच्छी तरह भून लिया, अब इसमें शलजम डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई पानी नहीं जाएगा क्योंकि अब जो अपना ये पानी छोड़ेंगे शलजम, तो इसी में ये पकेगा। शलजम का जो थोड़ा बहुत पानी है, इसको खुश्क कर लेंगे ताकि इसका घी ऊपर आ जाए। चलिए जी, सालन तो तैयार हो गया है, बहुत ही मज़े का, अल्हम्दुलिल्लाह। शाम को सोच रहे थे कि क्या बनाएं, तो मामी ने कहा कि बर्गर ही बना लेते हैं, तो बस फिर वही अब बर्गर ही बना रहे हैं क्योंकि सब घर वालों को पसंद भी बहुत है। ये थी हमारी आज की रूटीन। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।